वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल, दिस इज हितेश शेयर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है हेल्टोकोन हाइपोथायरॉयडिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन डेटा लिख लेंगे, जिसके अंदर की नेम ऑफ स्टूडेंट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, टॉपिक क्या है, मेथड ऑफ टीचिंग का यूज़ करने वाले हैं हम हेल्टोक के अंदर, क्लास कौन सी है, एवीएट्स का यूज़ करेंगे हम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रहने वाले हैं, टाइम ड्यूरेशन कितना लगेगा हेल्टोक प्रेजेंट करने में, टाइम के बाद हम डेट लिख लेंगे भाई किस डेट को हम हेल्टोक प्रेजेंट कर रहे हैं, डेट के बाद प्रीवियस मॉडल लिखेंगे, टॉपिक से रिलेटेड पहले से कितनी इन्फॉर्मेशन है ग्रुप मेंबर्स को, ठीक है। इसके बाद जनरल ऑब्जेक्टिव लिख लेंगे, जनरल ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या क्या हो जाएगा भाई, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करवानी है सारे ग्रुप मेंबर्स को हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में, ये तो हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। इसके बाद में हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, जिसके अंदर क्या आ जाएगा, एट द एंड ऑफ द हेल्थ टॉक द ग्रुप विल बी नो अबाउट, सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, डेफिनेशन ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, टाइप्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, कॉजेज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशन एंड ट्रीटमेंट, ये हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। इनके बारे में हमको हेल्थ टॉक के अंदर जानकारी प्रोवाइड करवानी है ग्रुप मेंबर्स को, ठीक है, ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। इसके बाद हम पहला पॉइंट लिखेंगे भाई इंट्रोडक्शन ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, इसके लिए हम जो बनाते हैं हेल्थ टॉक के लिए टेबल वो बना लेंगे, सीरियल नंबर, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, टाइम, कंटेंट, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी, एवीएट्स और इवैल्यूएशन वाले कॉलम। तो पहले वाले में पॉइंट में इंट्रोडक्शन में लिख लेंगे हम इंट्रोडक्शन हाइपोथायरॉयडिज्म का। इसके अंदर क्या होता है, एक बेसिक कंडीशन होती है जिसके अंदर जो नॉर्मल थायरॉयड हार्मोन रहता है, थायरॉयड ग्लैंड के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है, सीक्रेट किया जाता है, उसका लेवल कम हो जाता है नॉर्मल से, ठीक है, तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म वाली कंडीशन हो जाती है। इसे लिख लेंगे हम, इसे लिखने के लिए वीडियो क्वालिटी हाई कर लें और वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद डेफिनेशन लिख लेंगे इंट्रोडक्शन के बाद, जैसे कि सब नॉर्मल सीक्रेशन ऑफ थायरॉयड हार्मोन बाय द थायरॉयड ग्लैंड इज नोन एज हाइपोथायरॉयडिज्म, ये डेफिनेशन हो जाएगी। डेफिनेशन के बाद हम टाइप्स लिख लेंगे भाई कितने प्रकार का होता है, टाइप्स के अंदर जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, किस किस कारण से होता है, उसके अकॉर्डिंग इसके टाइप्स हो चुके हैं, ये टाइप्स हो जाएंगे। प्राइमरी के अंदर क्या होता है, इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ द थायरॉयड हार्मोन सीक्रेटेड बाय द थायरॉयड ग्लैंड, इसके अंदर जो थायरॉयड ग्लैंड के द्वारा इनसफिशियंट अमाउंट प्रोड्यूस किया जाता है हार्मोन। सेकेंडरी के अंदर इट अकर ड्यू टू द पिट्यूटरी ग्लैंड फेलियर, अब सेकेंड वाले के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड फेलियर की वजह से जो हार्मोनल लेवल रहता है वो घट जाता है। टर्सरी के अंदर होता है इट इज़ ड्यू टू द हाइपोथैलेमस फेलियर, ठीक है, ये कारण भाई कॉज क्या क्या बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हो गया टाइप्स इसके। इसके बाद कोर्स के अंदर लिखेंगे हम यूज़ ऑफ द रेडियो एक्टिव आयोडीन ओवर ट्रीटेड विद द एंटी थायरॉयड ड्रग्स, इसके बाद थायरॉयडेक्टोमी, माल डेवलपमेंट, थायरॉयड ग्लैंड वगैरह का, आयोडीन डेफिशिएंसी, कंजनाइटल भी हो सकती है प्रॉब्लम, इसके बाद मैलिग्नेंसी ऑफ द नेक एंड फोरहेड, पिट्यूटरी डिसफंक्शन, गोइट्रोजेनिक फूड्स, एग्जाम्पल टर्निप, कॉलीफ्लावर, ये कॉजेज हो जाएंगे जिसकी वजह से ये कंडीशन देखने को मिलती है हाइपोथायरॉयडिज्म वाली, ठीक है। इसके बाद सिम्टम्स लिखेंगे भाई कैसे कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, इसके अंदर भी सिम्टम्स हर एक सिस्टम के ऊपर इसके सिम्टम्स देखने को मिलेंगे अलग अलग के ऊपर, अलग अलग प्रकार के, जैसे कि सीवीएस के ऊपर, जीआईटी के ऊपर, स्किन के ऊपर, मस्कुलोस्केलेटल के ऊपर, ये लिख लेंगे हम आराम से। जैसे कि सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज हार्ट रेट, एनीमिया, हाइपर कोलेस्ट्रेमिया, ब्रेडिकार्डिया, वीक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ये सीवीएस के ऊपर सिम्टम्स रहेंगे। इसके बाद जीआईटी के अंदर लॉस ऑफ एपेटाइट, कॉन्स्टिपेशन, इंक्रीज वेट, नोजिया, वॉमिटिंग, जीआईटी के सिम्टम्स हो जाएंगे। स्किन के अंदर ड्राई स्किन, ब्रिटल नेल्स, ड्राई हेयर, पफी फेस, पेलननेस, कोल्ड इंटॉलरेंस, एनलार्ज टंग, मस्कुलर स्केलेटल के सिस्टम हो जाएंगे, फैटिक, वीकनेस, मस्कुलर पेन, स्लो मूवमेंट और अदर सिम्टम्स क्या हो जाएगा, डिस्निया, डिक्रीज लिबिडो, इरेगुलर मेंसेस एंड गोइटर, ठीक है, ये सिम्टम्स हो जाएंगे इसके हाइपोथायरॉयडिज्म के। सिम्टम्स के बाद हम कॉम्प्लिकेशन लिखेंगे भाई, अगर ये कंडीशन सही प्रकार से टाइम से ट्रीट नहीं होती है तो भाई कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। छठे पॉइंट को यहाँ हम सेवन की जगह भी लिख सकते हैं, पहले ट्रीटमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन के अंदर आ जाएगा मैग्जेमा, मैग्डेमा, कन्वर्जन, सेरिब्लर हाइपोक्सिया और हाइपोवेंटिलेशन, ये कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। इसके बाद ट्रीटमेंट लिखेंगे भाई ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, ट्रीटमेंट के अंदर सिंथेटिक लिवोथायरोक्सिन, ठीक है, ये प्रोवाइड करवाएंगे, कंसंट्रेशन ग्लूकोज में बी गिवन इफ़ हाइपोग्लाइसीमिया इज़ एविडेंट।
इसके बाद इफ मैग्रेमा कोमा इज प्रेजेंट थायरॉयड हार्मोन इज गिवन आईवी। इसके बाद हाई आयोडीन डाइट देंगे, एवॉइड सोयाबीन। ये ट्रीटमेंट हो जाएगा इसका हाइपोथायरॉयड का। ट्रीटमेंट के बाद लास्ट में बिब्लियोग्राफी लिख लेंगे, तो हमने जो भी इन्फॉर्मेशन लिखी है तो कौन कौन सी बुक का रेफरेंस लिया है तो वो यहाँ पे हो जाएंगी। पहली बुक हो जाएगी ब्लैक की मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, इसके बाद सेकंड होगी प्रोनर सिद्धार्थ की, थर्ड हो जाएगी पीके पवार मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फिफ्थ एडिशन। ऐसे कि ऐसे लिख लेंगे हम। इसके बाद नेट रेफरेंस लिख लेंगे भाई हमने कौन सी वेबसाइट की हेल्प ली है इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्दी प्राप्त हो। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूँगा। धन्यवाद।